हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आज की। वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम भी आते हैं और दोस्तों आपके किचन के छोटे छोटे काम कुछ ऐसे आसान हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके टाइम भी बचते हैं और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहला हैक टिप इस तरीके से कोट को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से कोट हम इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा, इस्तेमाल करते करते ये जो बटन है कभी ऐसा होता है कि टूट के गिर जाता है अगर, तो ये हमारी कोट की मैचिंग हो जाती है ख़राब और बटन मिलता नहीं है दोबारा। तो दोस्तों इसी के लिए एक छोटा सा हैक टिप है, आपको ले लेना है नैन पेंट। अगर ट्रांसपेरेंस नैन पेंट नहीं है तो आप कोई सा भी इजिली इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऊपर से भी लगा देंगे धागा ताकि अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए, और दोस्तों साथ ही साथ मैं इसके पीछे की साइड भी लगा दूंगी। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो नैन पेंट मैं लगा रही हूँ, इससे अच्छी तरीके से इसका जो धागा है बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है और ना ही ये बटन गिरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी के बहुत ही काम आने वाला है। अगर दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट नैन पेंट आपको कहीं भी कॉस्मेटिक की दुकान पर मिल जाएगा, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से हमारे गैस बर्नर को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम कभी इस तरीके से गैस बर्नर को इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा साइडों से इस तरीके से गैस निकलता है। अगर गैस निकलता है इसमें से तो क्या होता है कि हमारा ये जो गैस का ये आग है ये किनारे से निकलता है, हमारा गैस काफ़ी वेस्ट भी होता है, नुकसान भी होता है, हमारा पैसे भी खर्च होते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, बर्नर को ले लेना है और आपको कोलगेट ले लेना है, वाइट वाला ही कोलगेट लेना है। तो देखिए इस तरीके से एक लेयर से इसमें लगा लेना है। इस तरीके से लेयर में लगाने के बाद दोस्तों क्या है, दोनों जो बर्नर है ऊपर नीचे का दोनों में ही लगा लेना है। तो दोस्तों इससे क्या है, जो हमारा ये गैस वेस्ट जब जलने के बाद साइडों से निकलता है तो इस तरीके से हमारा गैस बहुत नुकसान होता है, और लगाने के बाद इसको हमें 5 से 10 मिनट तक के इस तरीके से कवर करके रख देना है। कवर करके रख देना है तो आप देखेंगे कि हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और जो साइडों से ये गैस निकलता है बिल्कुल भी ये नहीं निकलने वाला है और बहुत ही अच्छी तरीके से कंफर्टेबल रहेगा। तो दोस्तों हमें मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही हमें और कोई काम। तो चलिए मैं गैस बंद करके दिखा, लाइट बंद करके दिखा रही हूँ, हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है और साइडों से बिल्कुल भी इसकी आग बाहर नहीं जा रही। तो दोस्तों इस कोलगेट की मदद से आप अपने बर्नर को, जो साइड से इसकी आग निकलती है, इसको आप ठीक कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है, बिल्कुल वही ट्रिक आजमाइएगा, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से जूते के लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से जूते जब क्या होता है हम पहनते पहनते इस्तेमाल करते करते, तो आपने देखा होगा इसकी जो नीचे की तरल्ली होती है ये पहनते पहनते घिस जाता है। घिसने के बाद क्या होता है कि हमारे पैरों में चुभन होती है और प्रॉब्लम भी होने लगता है। तो दोस्तों ये ना हो, तो देखिए जब इस तरीके से ये नीचे का ये तल्ली होता है ये घिस जाती है तो हमें क्या करना है, कोई सा भी मोजा ले लेना है। आपको अपने घर में जो भी मोजा इस्तेमाल करते हैं वही मोजा ले लेना है, और मोजा को लेने के बाद हमें ये जो इसका नीचे का तरल्ली है इसके ऊपर मुझे चढ़ा लेना है मोजे को। तो दोस्तों इस तरीके से मोजे के ऊपर कोई सा भी मोजा, नया पुराना जैसा भी आपकी इच्छा हो उस तरीके से मोजे को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए जो दोस्तों जैसे कि मैं चढ़ा रही हूँ, इस तरीके से मोजे के ऊपर चढ़ा लेना है और दोनों ही इस तरीके से जिप पे चढ़ा लेना है, और चढ़ाने के बाद दोस्तों अब आप देखेंगे कि ये जो जिब है आपका काफ़ी मतलब इसमें चुभन भी नहीं होगी और काफ़ी मतलब होम टाइप में मुलायम भी रहेगा, और दोस्तों सर्दियों में क्या है ना कि इससे काफ़ी गर्माहट रहेगा, काफ़ी अच्छी तरीके से गर्माहट रहेगा और आपके पैरों में चुभन भी नहीं होगा और ना ही दर्द होगा। और दोस्तों ज़्यादातर तो क्या है कि जब इस तरीके से हम कभी जूता बिना मोजा के भी पहन लेते हैं तो हमारे पैरों में नीचे में तल्ली में क्या होता है, पसीने वगैरह आते हैं तो हम जूते को नहीं पहन पाते, इसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस तरीके से आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो वीडियो अगर जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अगला है टिप मेरा इस तरीके से। दोस्तों जब हम क्या होता है कि जब टोकरी में बर्तन रखते हैं शाम के समय, जब किचन वगैरह साफ करने के बाद जब हम सारे बर्तन टोकरी में धुल के रख देते हैं, तो आपने क्या देखा होगा इस तरीके से कि हमारे किचन में टोकरी में रात में काकरोच वगैरह, छिपकली वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह इस तरीके से हमारे डलिया में बर्तनों में घूमती रहती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से छिपकली वगैरह बैक्टीरिया वगैरह घूमे ना, तो मुझे करना क्या है, इस तरीके से कोई भी बेड शीट ले लेना है या चुन्नी ले लेना है, इस तरीके से आप अपने टोकरी को बर्तन को कवर करके रखिएगा, बैक्टीरिया से बीमारियों से दूर रहिए।
तो दोस्तों रात भर के लिए आपका बर्तन बिल्कुल सेफ्टी रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से सर्दियों को लेकर है। तो दोस्तों कड़कड़ाती ठंड में इस तरीके से हम किसी को हाथ गीला करने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसी कड़कती ठंड में हमें करना क्या है, एक पॉलीथीन ले लेना है और बिना हाथ भिगोए आप ढेर सारे बर्तन को धुल सकते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो दोस्तों इस तरीके से पन्नी ले लेनी है। और दोस्तों मैं पन्नी को देख रही हूँ कि पन्नी हमारी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, अब पन्नी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो दो पन्नी ले लिया है मैंने और अपने हाथों के ऊपर अच्छी तरीके से चढ़ा लिया है। और चढ़ाने के बाद अब आप देखेंगे कि इस तरीके से इसके ऊपर मोजा ले लेना है। जैसे कि मैंने इस हाथों में पहना है, अच्छी तरीके से जो पन्नी मैंने अंदर पहना हुआ है इसको अच्छी तरीके से दबा लेना है ऊपर अच्छी तरीके से टाइटली, या तो बांध भी सकते हैं। तो चलिए मैंने दोनों हाथों में इस तरीके से पहनने के बाद मोजे को ऊपर से चढ़ा लेती हूँ। तो दोस्तों ऐसी कड़कती ठंड में आप बिल्कुल आपका हाथ ठंडा नहीं होगा ना ही आपका हाथ गीला होगा, सिर्फ मोजे के हेल्प से आप इस तरीके से ढेर सारे बर्तन धो सकते हैं। और दोस्तों इसके एक से नहीं दो फायदे हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तरीके से कभी कभी हम बर्तन तो धोते हैं, तो पहले बात क्या है कि बर्तन तो पहले हमें जब ज़्यादा जूठा रहता है तो इसको धुल के ही इसको हमें जूना इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जूठा लगा हुआ है, तो जितने जूठे वाले बर्तन मुझे अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए। और दोस्तों धुलने के बाद क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है इसके दो फायदा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा गर्मियों में इस तरीके से जब हम बर्तन को धुल के रखते हैं तो गर्मी से तब से ये क्या होता है बर्तन हमारे जल्दी सूख जाता है, सूख जाता है। तो हम इसको ऐसे धोते हैं तो आपने देखा होगा हमारा हाथ कहीं पहुंचता है कहीं नहीं पहुंचता है। तो हमें इस तरीके से बर्तन क्या होता है ना कि बर्तन में कहीं साबुन लगा रहता है वो सूखने के बाद ही पता चलता है। तो दोस्तों जो ये मैंने मोजा पहना है इसके दो फायदे हैं। तो इस तरीके से अपना ये मोजे की हेल्प से क्या है ना कि सभी जगह ये हाथ पहुँचता है, अगर हमारा बर्तन सूख भी जाएगा तो इसमें क्या है ना कि साबुन कहीं भी नज़र नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा क्लीनिंग होता है इस तरीके से मोजा पहन के बर्तन धोने से, ये बर्तन की क्लीनिंग बहुत ही अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। अगर दोस्तों आइडिया जरा से भी पसंद आता है तो आइडिया को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके बताइएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गाँव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे साथ ही साथ मैं अपने मोजे को भी ऊपर चढ़ा रही हूँ, मोजा हमारा खिसकता जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने सारे बर्तन को धुल लिया है। तो आप दोस्तों देख पा रहेंगे कि मैंने मोजे पहन के बर्तन को धुल लिया है और हमारा हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप देख पा रहेंगे बिल्कुल इजी तरीके से हमने बर्तन को धुल लिया है, हमारा हाथ बिल्कुल सूखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसी कड़कती ठंड में आप इस ट्रिक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख पा रहेंगे मैंने बर्तन को बिना पानी हाथ लगाए बहुत इजीली तरीके से धुल लिया है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप लोग जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और एंड ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आया, मोजे का इस्तेमाल करने के बाद आप इस तरीके से धुल कर रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।